आज के इस वीडियो में मैं एक लीची के पौधे को इस गमले में लगा के दिखाने वाला हूं और साथ में यह भी बताऊंगा कि लीची की कौन सी वैरायटी गमले में लगाने के लिए बढ़िया होती है, लीची के पौधे के लिए किस तरह की मिट्टी बनाई जाए ताकि आपका लीची का पौधा गमले में अच्छी तरीके से चले। लीची का पौधा गमले में उगाना बहुत ही आसान होता है अगर आप थोड़ी सी सावधानी रखें। कैसे लीची का पौधा गमले में उगाया जाएगा, कैसे कैसे ट्रीटमेंट होगा, आज के वीडियो में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। मैं हूं जयप्रकाश और आप लोग देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल जय होम गार्डनिंग। आज के इस वीडियो में लीची के पौधे को गमले में लगा के दिखाऊंगा और आपको यह भी बताऊंगा कि लीची की कौन सी वैरायटी गमले में जल्दी फल देती है। चैनल पर जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि गार्डनिंग संबंधी में जो भी वीडियो चैनल पर अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको फर्स्ट टाइम टाइम से पहुंच सके। तो बिना देरी करते हुए बहुत सारे लोगों की डिमांड आ रही थी कि जय भैया लीची का पौधा गमले में लगा के दिखाइए और समय आ गया है और लीची का पौधा मेरे पास है। लीची की बहुत सारी वैरायटी भारतवर्ष में पाई जाती है लेकिन गमले में सभी वैरायटी अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगी, हार्ड प्रूनिंग करनी पड़ेगी। और मैं आपको बता दूं जैसे लीची की वैरायटी के बारे में तो मुजफ्फरपुर लीची आता है, मुंबई लीची आता है और चाइना थ्री लीची आता है जिसके बारे में मैं जानता हूँ। और भी लीची की कई वैरायटियाँ हैं और लीची का सब्स्टिट्यूट भी आता है, वो भी मैं आगे वीडियो में डिस्कस करूंगा और वो ड्रॉप वैरायटी में आता है, वो भी आप लगा सकते हैं। लेकिन ये जो वैरायटी आप देख रहे हैं ध्यान से देख लीजिए, पत्ता पहचान लीजिए, ये चाइना थ्री लीची है। यानी कि लीची का पेड़ तो बहुत बड़े बड़े होते हैं लेकिन ये बौनी प्रजाति है चाइना थ्री लीची और गमले में भी आसानी से आपको किलो दो किलो फल खाने को मिल जाएगा प्रूनिंग करते रहेंगे। जैसे चीकू का पौधा होता है हमारे यहाँ छोटा सा गमले में लगा हुआ है, दिखा दीजिए पीछे, ये चीकू का पौधा देख सकते हैं, इतना ही बड़ा हो जाएगा और अच्छी सी कैनोपी बन जाएगी और लीची इसमें लगने लगेगी। इसके पौधे को अब मैं गमले में लगा के दिखाऊंगा, मिट्टी देखिए कैसे कैसे बनानी है ध्यान से समझिएगा क्योंकि मिट्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहीं पर लोग गलती करते हैं और बहुत सारी खाद दे देते हैं। और यहाँ देखिए जो लीची का पौधा आया है, दिखाइए जरा ध्यान से पास से जूम करके इसमें कितनी खाद दिखाई दे रही है, कोई खाद दिखाई दे रही है? खाली मिट्टी में लगा हुआ है, देख लीजिए मिट्टी में लगा हुआ है। तो स्टार्टिंग में 6 महीने के लिए कुछ ऐसी ही मिट्टी का हम इंतजाम करेंगे ताकि ये पौधा मजबूत हो जाए, उसके बाद इसे धीरे धीरे भोजन दिया जाएगा। तो यहाँ देखिए नॉर्मल गार्डन सॉयल, ये देख सकते हैं बिल्कुल फ्रेश मिट्टी है फ्रेंड्स। यहाँ देखिए फ्रेश मिट्टी आपको भी लेनी है, ना गमले की निकाली हुई लेनी है और ना ही आपको सुखाई हुई लेनी है, फ्रेश मिट्टी का इंतजाम करना होगा। मिट्टी और बालू मिट्टी थोड़ी बहुत चाहिए होगी, अगर बालू मिट्टी नहीं है तो यहाँ देख लीजिए मेरे को बालू मिट्टी नहीं मिल पाती है। तो यहाँ देखिए मैंने रिवर सैंड का इंतजाम किया हुआ है, ये देख सकते हैं, और ये करीब 3-3.5 किलो मिट्टी होगी गार्डन सॉयल। यहाँ देखिए मैंने बालू का इंतजाम किया हुआ, मैं कोकोपीट का भी इसमें इस्तेमाल नहीं करूंगा क्योंकि कोकोपीट से भी पौधा खराब होता है बरसात के सीजन में और रूट में फंगस लगती है। ये रिवर सैंड है और अगर रिवर सैंड आपको नहीं मिल पा रहा है तो बालू मिट्टी अगर मिल जाए तो सबसे बेस्ट है। बालू मिट्टी मेरे को नहीं मिल पाती इसलिए मैं रिवर सैंड यूज करता हूँ, ये देख सकते हैं रिवर सैंड, ये गार्डन सॉयल है। तो यहाँ देख लीजिए करीब 700 ग्राम के आसपास होगा ये रिवर सैंड यानी बालू, जो रिवर सैंड बहुत लोग पूछते क्या होता है तो नदी से निकलने वाली बालू होती है जो कंस्ट्रक्शन में यूज की जाती है, ये वही बालू है। अब फ्रेंड्स यहाँ देखिए ध्यान से जरा पास से दिखा दीजिए जरा, खाद है खाद, ये वर्मी कंपोस्ट है जिसको कि लोग 20% डालते हैं, यहाँ 20% नहीं 100 ग्राम खाली डालने जा रहा हूँ ध्यान से समझ लीजिएगा, ये वर्मी कंपोस्ट है ओरिजिनल वर्मी कंपोस्ट, देख लीजिए वर्मी कंपोस्ट सिर्फ 100 ग्राम दूंगा। जिन लोगों को वीडियो में कोई चीज छूट जाए तो रिवर्स करके देख लीजिएगा, 100 ग्राम वर्मी कंपोस्ट, ठीक है। नेक्स्ट फर्टिलाइजर ध्यान समझ लीजिएगा, यहाँ देखिए पास में हॉर्न डस्ट सींग की खाद, ये देख लीजिए 10 ग्राम। नेक्स्ट यहां देख लीजिए ये जमीन से निकलने वाला ऑर्गेनिक जिप्सम है, ये देख लीजिए जिप्सम 100 ग्राम के आसपास जिप्सम देने वाला हूं। स्टार्टिंग में दिया जाता है जिप्सम मिट्टी बनाते वक्त या फिर 6 महीने बाद, बीज में जिप्सम का प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए। ये देखिए 100 ग्राम के आसपास मैंने जिप्सम दे दिया है। अब फंगिसाइड का इस्तेमाल किया जाएगा और यहाँ पर फ्रेंड देखिए साफ फंगिसाइड है, फिलहाल मैं साफ का इस्तेमाल अपने प्लांट में मिट्टी बनाते वक्त नहीं करता हूँ। यहाँ पर देखिए मैं जो इस्तेमाल कर रहा हूँ ट्राइकोडर्मा, अगर ट्राइकोडर्मा नहीं है तो ये इस्तेमाल कर सकते हैं बेझिझक, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और 1-2 चम्मच ट्राइकोडर्मा यहाँ देखिए
एक चम्मच मैंने डाल दिया है, काफी है। ये हो गई मिट्टी, और ये इतनी बढ़िया मिट्टी है कि 6 महीने तक आपको कोई फर्टिलाइजर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी मैं बता रहा हूँ कुछ ऐसे फर्टिलाइजर हैं जो कि आपको 15 दिन के बाद देना स्टार्ट करना है। वो कौन सा फर्टिलाइजर है वो भी मैं बताऊंगा। पहले मिट्टी देखिए कितनी बढ़िया बन गई, बालू है इसमें, मिट्टी है, वर्मी कंपोस्ट। मिट्टी को बहुत अच्छी तरीके से आपको मिलाना है, यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिएगा, मिट्टी को बहुत अच्छी तरीके से आपको मिलाना है। और यहाँ पर देखिए ये मिट्टी रेडी हो चुकी है और बहुत बढ़िया मिट्टी है। यहाँ पर आप चाहें तो सीवीड जो दानेदार आता है या फिर बायोजाइम 10 ग्राम के आसपास मिला सकते हैं। क्योंकि मैं स्प्रे करता हूँ ज़्यादातर तो इसलिए नहीं मिलाता हूँ, आपके पास ऑप्शन है आप मिला सकते हैं दानेदार। दानेदार का मतलब ग्रेन्यूल, सीवीड ग्रेन्यूल की बात कर रहा हूँ, बायोजाइम ग्रेन्यूल की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए ये गमला 12 इंच का मिट्टी का पॉट लिया है, अत्यधिक गर्मी पड़ने के कारण मैं इसका प्रयोग कर रहा हूँ। और जिन लोगों के यहाँ मौसम ठीक ठाक रहता है, सिलीगुड़ी का मौसम होता है, तो वहाँ पर प्लास्टिक में भी लगाया जा सकता है। हमारे यहाँ 45-46 डिग्री टेम्परेचर जाता है, आदमी भी झुलस जाता है, पौधे भी झुलस जाते हैं, इतनी गर्मी पड़ती है। तो फिलहाल मिट्टी का गमला मैंने लिया हुआ, ड्रेनेज सिस्टम देख लीजिए कितना बढ़िया है। गमले का टूटा हुआ टुकड़ा मैं यहाँ रख दे रहा हूँ, यहाँ पर देख लीजिए। और ये जो लीची का पौधा है ये देखिए ग्रो बैग में लगा हुआ है, और मैं इसका ग्रो बैग अब काटने वाला हूँ। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत सावधानी से इसको अलग कर दिया है, और ये देख सकते हैं मिट्टी कैसी है, मिट्टी ठीक ठाक है और इसे ज़्यादा खाद की अभी आवश्यकता नहीं है। बहुत लोग क्या करते हैं फ्रेंड कि बहुत ज़्यादा खाद दे देते हैं, ज़्यादा खाद देंगे पौधा जल्दी बड़ा हो जाएगा, बड़ा नहीं हो जाएगा पौधा टाइम बोल जाएगा, समझ गए आप। तो यहाँ पर देखिए अब हम मिट्टी भरेंगे गमले में, ज़रा पास से दिखा दीजिए, ये यहाँ देखिए मैं मिट्टी भर रहा हूं। 6 महीने तक इसे कोई भी फर्टिलाइजर की आवश्यकता नहीं होगी, ना गोबर की खाद ना वर्मी कंपोस्ट। 6 महीने के बाद ही इसे फर्टिलाइजर दिया जाएगा, और बीच में जो फर्टिलाइजर दिया जाएगा उसके बारे में भी आप लोगों से मैं डिस्कस करूंगा। पहले पौधे का प्लांटेशन मैं कर दूं, और वैरायटी है चाइना 3 लीची, जो कि लोकल नर्सरी में भी आपको मिल जाएगा और ऑनलाइन तो मिलता ही मिलता है। अभी कुछ दिनों पहले मैंने इसे ऑनलाइन मंगाया था, अनबॉक्सिंग की थी। आप चाहें तो लोकल नर्सरी से भी ले सकते हैं, ऑनलाइन भी बाई कर सकते हैं, तो दे सकते हैं। इस तरह करने के बाद इसे नाप के देखा जाएगा कि कितना आ रहा है। तो देखिए फ्रेंड अंदाजा कितना सही है, कितना बढ़िया फिट आ गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। बीचों बीच में अगर आप लगाएंगे तो प्लांट जो है थोड़ा देखने में भी सुंदर लगता है, जैसे कि देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये प्लांट। इसमें देखिए यहाँ पर मोजर भी आया था। अच्छा एक चीज आप लोगों को थोड़ा बता दें कि ये जो लीची का पौधा होता है आम के पौधे की तरह बिहेव करता है। जब आम के पौधे में बौर आती है, मोजर आता है, तो उसी वक्त लीची के पौधे में भी फ्लावर आता है, और कहीं हद तक आम के पौधे में और लीची के पौधे में सिमिलरिटी रहती है, यानी कि समानता रहती है। आम के पौधे को जिस तरह छोटा जो पौधा होता है उसे नीम खली नहीं पसंद है, पौधा खराब हो जाता है, उसी तरह लीची का जो पौधा होता है नीम खली का प्रयोग आप ना करें। जब पौधा पुराना हो जाए 3 साल 4 साल 5 साल का, तब आप नीम खली सरसों की खली दे सकते हैं, लेकिन शुरुआती दौर में आपको ये सब कुछ भी नहीं देना है। और यहाँ देखिए मिट्टी भरेंगे यहाँ पर फ्रेंड, जो तरीका बता रहा हूँ बिल्कुल जांचा परखा तरीका है। इस तरीके से प्लांट फेल होने वाला नहीं है, ये चीज आप समझ लीजिएगा। मैंने बहुत सारे प्लांट इसी फार्मूले पर लगाए हैं और सक्सेसफुली चल रहे हैं, देख सकते हैं कि देखिए मैंने लमसम इसका काम पूरा कर लिया है। देखिए कितनी आसानी से मैंने ये लीची का पौधा आपको लगा के दिखाया। इतना करने के बाद आपको ये काम जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत ज़रूरी होता है, और हर वीडियो में बताता हूँ, इसको टाइट कर लेना है। अगर टाइट नहीं करेंगे तो इसमें झिरी रह जाएगी, यानी कि स्पेस बना रहेगा, जब पानी देंगे तो मिट्टी एक ही जगह चिपक जाएगी और स्पेस बना रहेगा, जिससे क्या होगा दरार से पानी निकलने लगेगा। फिर आप कहेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, जब आप टाइट कर लेंगे तो पौधा भी टाइट हो जाएगा और पानी जब देंगे तो पौधे को पानी भी अच्छी तरीके से मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि मैंने ये लीची का पौधा आपको लगा के दिखा दिया। अब मैंने आपसे वीडियो में कहा था कि लीची का सब्स्टिट्यूट भी है, जो लोग अगर लीची का पौधा नहीं लगाना चाहते हैं तो लंगन एक वैरायटी आती है जो कि लीची की तरह ही खाने में होती है, तो लंगन का पौधा भी आप अपने यहाँ टेरेस गार्डन पर जमीन पर आसानी से लगा सकते हैं, बहुत ही आसानी से हो जाता है। लंगन में 2 बार फ्रूट आता है, किसी में 3 बार भी आता है, और मैंने सुना है कि साल भर चलता भी रहता है, जैसे कि 4 सीजन लंगन है। अभी कहाँ तक सत्यता है
इसको मैंने अभी नहीं देखा है, और फ्रूट तो देखा है, अभी खाया भी नहीं है लंगन को। लंगन का पौधा भी मैं जल्दी मंगाने वाला हूँ, और ऐसी वैरायटी मंगाऊंगा जो फ्रूट भी दे, क्योंकि तो बहुत सारे नर्सरी वाले लंगन का पौधा बेच तो रहे हैं लेकिन उसमें फ्रूट ही नहीं आ रहा है अभी, तो उसकी भी सत्यता की जाँच करनी है, इसलिए मैं मंगाऊंगा। तो ये जो वैरायटी है चाइना थ्री लीची, जांची परखी है, इसमें फ्रूट लग जाता है, 6 महीने का ये पौधा हो जाएगा, तो वर्मी कंपोस्ट के रूप में इसे भोजन देना आपको स्टार्ट करना है, स्टोन डस्ट देना है। अभी मैंने आज के इस वीडियो में स्टोन डस्ट इसे नहीं दिया है, तब आपको धीरे धीरे करके ये सब फर्टिलाइजर ऐड करना है। तो आज देखा आपने कि मैंने बहुत कम फर्टिलाइजर के साथ प्लांट का प्लांटेशन किया, 6 महीने बाद वर्मी कंपोस्ट, स्टोन डस्ट, और धीरे धीरे करके आपको आगे फर्टिलाइजर देना है। अभी 15 दिन के बाद क्या फर्टिलाइजर दिया जाएगा, ग्रेन्यूल दे सकते हैं, सीविट ग्रेन्यूल, और आप दे सकते हैं सीविट लिक्विड फर्टिलाइजर, किसी भी कंपनी का ले लीजिए, 2 ml/L के हिसाब से। इसको लगातार महीने में 2 बार स्प्रे करना है, फंगिसाइड का महीने में 1 बार स्प्रे करना है, कोई भी फंगिसाइड ले लीजिए, चाहे आप ये वाला ले लीजिए साफ वाला, चाहे एंट्राकोल, चाहे रेडोमिल गोल्ड, एक फंगिसाइड ले लीजिए, महीने में 2 बार स्प्रे कीजिए, और 1 बार नीम ऑयल का स्प्रे कर दीजिए। आपका पौधा सालों साल चलने वाला है। 6 महीने के बाद जब पौधे की ज़्यादा ग्रोथ होगी और पौधा मान लीजिए ऊपर भाग रहा है, तो आप प्रूनिंग कर सकते हैं, तो नई नई ब्रांचें निकलेगी, और एक बढ़िया कैनोपी बनानी है। जब बढ़िया कैनोपी होगी तो पौधा देखने में आकर्षक लगेगा, उस पर ज़्यादा फ्रूट आएंगे। तो लीची का पौधा कम से कम 1.5 से 2 साल के बाद फ्रूट देने लगता है। जैसे ये पौधा अभी ऑलरेडी 1 साल का है, तो अगले साल ये फ्रूट दे सकता है, 10-15 लीची इसमें लग सकती हैं। तो आज के इस वीडियो में मैंने लीची के पौधे को गमले में लगा के दिखाया। अब फुल वाटरिंग करेंगे, और डीप वाटरिंग करनी है जब तक नीचे से ड्रेनेज होल से पानी निकल ना जाए। तो अभी मैं पानी देके आपको दिखाने वाला हूँ। इसी का पौधा अब देखिए वाटरिंग करेंगे, फुल वाटरिंग करनी है। बहुत लोग क्या होता है कि थोड़ा पानी देके छोड़ देते हैं, लेकिन थोड़ा पानी देके आपको नहीं छोड़ना है, फुल वाटरिंग करनी है। और इस पौधे को 15 दिनों के लिए सेमी शेडेड एरिया में रखना है, जहाँ पर धूप छाँव रहती है, यहाँ पर ज़्यादा धूप ना आती हो ना ज़्यादा छाँव आती हो, ऐसी जगह पर आपको रखना है। और उसके बाद आप धूप में रख सकते हैं, लेकिन इस साल आपको जो गर्मी पड़ेगी 45 डिग्री वाली, उससे बचाना होगा, और ग्रीन नेट का इस्तेमाल करना होगा, या पॉली हाउस छोटा सा बना ली छत के ऊपर, वहाँ रखना होगा, या फिर आप ग्राउंड फ्लोर पर रख सकते हैं, क्योंकि पहला सीजन ये नहीं झेल पाएगा, इतनी गर्मी पड़ने वाली है, पहली बार में ये पौधा नहीं झेल पाएगा, तो पहली धूप से इसके बचाने के लिए आप व्यवस्था कर लें। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैंने लीची के पौधे को गमले में लगा के दिखाया, और कुछ जानकारी आप लोगों से साझा की। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ये जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि और भी लोगों को इसका लाभ मिल सके। मिलते हैं नए टॉपिक से नए वीडियो में। सभी दोस्तों का अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।